नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की। और पिछले वीडियो में हम लोग ने सेटअप किया था अपना पेमेंट गेटवे ऑथराइज्ड .net और उसका पेमेंट हम लोग कर रहे थे। तो दोस्तों, इशू ये था कि हमारे पास जो अकाउंट था वो सैंडबॉक्स का था और उसमें जो डिफ़ॉल्ट करेंसी थी वो थी GBP, ठीक है। तो USD से हम पेमेंट कर रहे थे, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने चेंजेस कर लिए, आप अपने अकाउंट से क्रिएट करके करेंगे तो आराम से आप चेंजेस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं टू कार्ट पे, ठीक है। कार्ड ऐड हो गया हमारा और हमने अभी देखिए, हमने एक ऑथेंटिकेट यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट यूज़र बनाया हुआ है और उसको चेकआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा पीपल में और परमिशन में, ठीक है। तो हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि चेकआउट कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एक्सेस चेकआउट मेरे ख्याल से अनोनिमस भी कर सकता है, लेकिन हम बाद में ये ऑप्शन दे देंगे कि चेकआउट से पहले लॉगिन करें, ठीक है। अगर कोई चेकआउट कर रहा है तो उससे पहले उसे लॉगिन करना पड़ेगा या अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। फिलहाल हम लोग तीनों को ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। चेकआउट का ऑप्शन आने के बाद हमें इसको क्या करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है। ये भी इशू है कि हम लोग का लिंक कभी कभी होम पेज पर चला जाता है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लें, टेस्ट सिटी वट एवर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और जो अब हम लोग पेस्ट करने वाले हैं जो अकाउंट है वो ये हमारा ये एक एग्ज़ाम्पल है क्रेडिट कार्ड का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया, तो देखिए ये चेकआउट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप जब अपने अकाउंट से क्रिएट करेंगे और उसका API लॉगिन ID पाएंगे और ट्रांजैक्शन की पाएंगे तो वो आप अपने ऑथराइज डॉट नेट पर कन्फिगर कीजिएगा पेमेंट।